सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। इनकलाब उस्मानी पिता जफर आलम उस्मानी ग्राम कटाई प्रखंड कटरा जिला मुजफ्फरपुर से खास बातचीत हुई, जहां उनसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इंट्रेंस के परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। पेपर आया, पेपर देखने के बाद क्या फील हुआ? पेपर देखने के बाद ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन लगा कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन indiabix.com से है। अच्छा अच्छा। और मैंने तरह तरह का करेंट अफेयर थोड़ा जीके थोड़ा टफ था और करेंट अफेयर सेम ही था और खास करके इंग्लिश भी indiabix.com के ही अधिकतर क्वेश्चन अच्छा, आए हुए थे उसमें। तो कितना टोटल क्वेश्चन कितना आया था? टोटल 150 आए थे। 150 ऑब्जेक्टिव था सारा। यस। कितने मार्क्स का था? और वन मार्क्स, वन क्वेश्चन वन मार्क्स। नेगेटिव? नेगेटिव 0.25। यस, 25% 25% कट रहा था। यस। तो मैं जानना चाहूँगा टोटल 150 का जो सिलेबस था, तो सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें यानी सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन आया था? लीगल 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 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और करीब 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। तो लीगल का क्वेश्चन कितना आया था? लीगल 40 क्वेश्चन। yes. किस किस टाइप के क्वेश्चन थे लीगल में, जैसे एक दो एग्जांपल? एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी पूछे हुए थे और खास करके जैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि यानी ये कौन सा एक्ट कब लागू हुआ इस। अच्छा अच्छा, डेट वगैरह के बारे में। यस यस। ओके ओके। तो बाकी इंग्लिश का जो पोर्शन था, इंग्लिश में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? इंग्लिश में मैं 5 नंबर स्पेलिंग, मतलब लीगल मैगजीन का स्पेलिंग में था। लीगल मैगजीन से कुछ क्वेश्चन थे और 5 नंबर वर्ड्स ये सिनोनिम थे और एंटोनिम्स थे और स्पेलिंग रूल्स में जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, उसके बाद लीगल मैगजीन हो गया, उसके अलावा और क्या? ग्रामर पोर्शन भी। ग्रामर पोर्शन था। मैं ग्रामर पोर्शन का जानना चाहूंगा, लेवल क्या होता है? 10th होता है, 12th होता है? मीडियम रहता है लेवल, कोई हार्ड भी नहीं रहता और कोई। यस, मीडियम। आपने टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया था? मैंने 140 किया था। श्योरली या उसमें कुछ गेसेस थे तो कम आ रहा था? गेसेस मेरा तो 110 तक था और मैंने सोचा था कि अच्छा, अच्छा। आगे बढ़ेगा, मगर वो सक्सेस नहीं हुआ मेरा वो। अच्छा। लगभग सब क्वेश्चन ही गलत हो गए, 2 या 3 को छोड़कर। अच्छा, जब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जब आपने पेपर को एनालाइज किया या फिर आपने कोचिंग लिया था उसको एनालिसिस किया, तो कितना लगा आपको, कितना परसेंट आपको कोचिंग से हेल्प मिला या फिर जो मटेरियल आपने पढ़ के आया था या कोचिंग में पढ़ाया गया था उससे कितना परसेंट हेल्प मिला आपको? 75% हेल्प मिला, काफ़ी अच्छा। खास करके राघव सर का मुझे बहुत अच्छा, बहुत एहसान है उनका कि उन्हें लास्ट समय में, क्योंकि मैंने जामिया कलैद पे ज़्यादा फोकस कर रहा था और लास्ट समय में मुझे इन चीज़ों पे बहुत कम ही समय मिला। उसके बाद मैंने क्लास ली, मटेरियल्स पढ़े, उनसे हेल्प लिए जी। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा जो जो एंट्रेंस था 150 मार्क्स का, उसके अलावा इंटरव्यू का भी कोई प्रोसेस होता है? नहीं नहीं, कोई प्रोसेस नहीं होता। तो फी वगैरह क्या है रेगुलर? रेगुलर की फीस 10,400 है और ईयरली। यस, ईयरली। सेल्फ फाइनेंस का थोड़ा ज़्यादा होता है। 40,500 है उनका। सीट 60 बताया आपने जी, 60 सीट और 60 रेगुलर में और 60 सेल्फ फाइनेंस, जिसमें मुस्लिम रिजर्व को था 50%। अच्छा अच्छा। मैं जानना चाहूँगा आज जब आप एज ए जामियन